Class 11th. Good morning to all of you. So today I will discuss the new topic, merits of global enterprise. What is the merits of a global enterprise? The first merit is foreign capital. ठीक है, the advantage of multinational corporation are given. Foreign capital, developing countries required huge capital investment for rapid industrialization. Developing countries like America, England, ये सारी जो countries हैं ये developing, ठीक है, तो they required huge capital, यानी उनको ज़्यादा से ज़्यादा capital की नीड होती है, किसके लिए, investment के लिए, ठीक है, for rapid industrialization, यानी industries को लगा करके global way में पूरी countries में all over the world वो business को क्या कर सके, stand कर सके, ठीक है. They suffer from shortage of capital due to low rates of sale. They suffer from shortage of capital due to low rate of savings. अगर उनके पास capital नहीं है तो business क्या हो सकता है, नहीं चलेगा, ठीक है. तो उनको एक need होती है, जो भी global कंपनियाँ रहती हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ रहती हैं, उनको एक नीड है कि सबसे ज़्यादा ह्यूज कैपिटल होनी चाहिए उनकी, यानी कैपिटल की जो डिमांड है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए. नेक्स्ट, दे सफर फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ कैपिटल ड्यू टू लो रेट ऑफ सेविंग्स. दे आर ऑफन अनेबल टू रेज द सफिशियंट कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. मल्टीनेशनल हैव ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज एट देयर कमांड. दे प्रोवाइड डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय सेटिंग अप सब्सिडरीज एंड जॉइंट वेंचर्स इन होस्ट कंट्रीज. दे प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन एंड इंश्योर साउंड चॉइस ऑफ प्रोजेक्ट्स. देखिए, मल्टीनेशनल जो कंपनी होती है वो पूरे वर्ल्ड में होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया और सम अदर कंट्रीज, ठीक है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और चाइना, ये सब, ठीक है. तो जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं उसका एक हेड ऑफिस होता है, जैसे मैंने बताया था कि हेड ऑफिस एक जगह हेड ऑफिस रहेगा, जो हेड ऑफिस ही पूरे कंट्रीज में क्या करता है, गवर्न करने का काम करता है. अब जो मल्टीनेशनल कंपनी की बात हो रही है कि अगर एक कंपनी है जिसका नाम है कोका कोला, ठीक है, तो वो उसका सब्सिडरी, उसकी जो सब्सिडरीज कंपनीज होगी, जैसे छोटी छोटी कंपनीज, वो छोटी छोटी सब्सिडरीज कंपनी या मोस्ट कंपनीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, चाइना में वो ओपन करता जाएगा, ठीक है, तो उसकी एक ही हेड ऑफिस होगी, ठीक है, कंपनी तो एक ही है, बस वो बनाता क्या जा रहा है, सारे वर्ल्ड में जो है अपने बिजनेस को क्या करता जा रहा है, स्प्रेड ओवर करता जा रहा है, ठीक है. सो वही कह रहा है कि उसको सबसे ज़्यादा किसकी नीड होगी, कैपिटल की नीड होगी. जाहिर सी बात है कि हर जगह आप बिजनेस लगाते जाएंगे तो इसका मतलब ही है कि कैपिटल सबसे ज़्यादा चाहिए, ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है. ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी. डेवलपिंग कंट्रीज लैग बिहाइंड इन टेक्नोलॉजी. द एप्लीकेशन ऑफ ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी कॉजेज लो प्रोडक्टिविटी, पुअर क्वालिटी एंड हाई कॉस्ट, ठीक है. डेवलपिंग कंट्रीज रिक्वायर मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू यूटिलाइज देयर आइडियल रिसोर्सेज. मल्टीनेशनल कंपनी एम्प्लॉय एडवांस टेक्नोलॉजी एंड लेटेस्ट मार्केटिंग टेक्नोलॉजी. हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजी की बहुत कमी है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है या अफ्रीका है, इंग्लैंड है, ठीक है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये सब सारी जो है डेवलपिंग कंट्री है. यहाँ की टेक्नोलॉजी, यहाँ की मशीन्स अलग होती हैं जो सबसे फास्ट काम करती हैं, ठीक है, इसीलिए वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ जो है सबसे ज़्यादा सक्सेस है. और हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो, हमारे यहाँ जो मशीनरी पार्ट है वो सबसे लोअर कॉस्ट का है, ठीक है, और वहाँ की जो मशीनरी पार्ट है वो सबसे अपग्रेड का है. यानी हम ये कह सकते हैं कि वहाँ की टेक्नोलॉजी और हमारी टेक्नोलॉजी में ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है. सो ये कह सकते हैं कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है और उनकी टेक्नोलॉजी, वो बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. उनकी टेक्नोलॉजी जो है हमसे कहीं ज़्यादा सक्सेस है, इसीलिए वो लोग पूरे वर्ल्ड में बिजनेस करते हैं. मल्टीनेशनल कंपनी है, कभी एक कंपनी अमेरिका में, यूएस में मिलेगी, दूसरा फ्रांस में मिलेगी, तीसरा चाइना में मिलेगी, तो ऐसे ऐसे करके मल्टीनेशनल कंपनीज क्या कर रही हैं, अब धीरे धीरे अपने बिजनेस को पूरी कंट्रीज़ में स्प्रेड ओवर करते जा रही है, ठीक है, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी बेस्ट है हमसे. और उससे अगर टेक्नोलॉजी बेस्ट होगी तो इसका मतलब है उसका इकोनॉमीज ग्रोथ भी बेस्ट होगा. इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन. मल्टीनेशनल कंपनी प्रोड्यूस एंड सेल इन बल्क. आपको पता है कि कोई भी कंपनी अगर गुड्स को बाहर भेज रही है तो वो बल्क क्वांटिटी, यानी बिग क्वांटिटी में वो
सोल्ड करेगी, ठीक है। सो वर्ल्ड वाइड ऑपरेशन हेल्प टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेलिंग, ठीक है। सो मैनेजरियल रिवोल्यूशन, मल्टीनेशनल कंपनी कॉरपोरेशन एम्प्लॉय हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलप प्रोफेशनल मैनेजर। These corporation help to increase specialization, speed up decision making and improve operational efficiency। यानी हमारी इंडियन कंपनी जो है अगर देखा जाए उनके अकॉर्डिंग तो उनका जो डिसीजन मेकिंग रहता है वो क्विक रहता है, जबकि हमारे यहाँ क्या है कि बहुत टाइम लेते हैं, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि उनकी डिसीजन मेकिंग, मैनेजर रिवॉल्यूशन का मतलब है, मैनेजेरियल रिवॉल्यूशन का मतलब ये है कि वो एक्सपर्ट्स को प्रोवाइड करते हैं। यानी अगर किसी जो सबसे अच्छा जो जानकार होगा प्रोडक्शन का तो उसको वो ऐसा प्रोडक्शन मैनेजर रखेंगे जो जिससे उसकी कंपनी हैम्पर्ड ना हो, ठीक है। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्रिएट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इन प्रोडक्शन मार्केटिंग एंड सर्विस एक्टिविटी। द एंट्री ऑफ अ मल्टीनेशनल हेल्प्स इन इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज। देखिए जहाँ भी अगर मल्टीनेशनल कंपनी लगी है वहाँ की सैलरी, एम्प्लॉयज़ को सैलरी जो है वो सबसे हायर वैल्यू में दी जाती है अकॉर्डिंग टू इंडियंस, ठीक है। सो वहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो एक तो उसके पास पैसे की कमी नहीं है, कैपिटल की कमी नहीं है, इन्वेस्टमेंट की कमी नहीं है, शॉर्टेज किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं है। उसकी कंपनी मल्टीनेशनल क्यों? क्योंकि आज पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो रही है और पूरे वर्ल्ड में कोकोला कंपनी चलती है। तो जो प्रोडक्शन मैनेजर है या जो भी एम्प्लॉयमेंट हो, जो भी एम्प्लॉय रखती है उसकी सैलरी हमेशा हायर मिलेगी, ठीक है। फिलिप टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, लोकल इंडस्ट्रीज इन डेवलपिंग कंट्रीज आर एबल टू यूज़ द रिसोर्सेज स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मल्टीनेशनल। देखिए हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री है उसकी टेक्नोलॉजी लोअर ग्रेड की, लेकिन बाहर की जो कंपनियाँ हैं उनकी टेक्नोलॉजी क्या है, हमसे हायर ग्रेड की, ठीक है। कोलैबोरेशन विद मल्टीनेशनल हेल्प्स देम टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। मल्टीनेशनल वे बाय मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म्स एंड मेनी लोकल यूनिट्स सर्व एज एंसिलरीज। इंडियन फर्म हैज स्टार्टेड इंप्रूविंग क्वालिटी एंड सर्विस टू कंज्यूमर ड्यू टू कंपटीशन फ्रॉम मल्टीनेशनल। कायदे से देखा जाए तो हम मल्टीनेशनल कंपनी से तो कभी कंपटीशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी काफ़ी लोअर ग्रेड की है और उनकी टेक्नोलॉजी क्या है, अपग्रेड की, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रमोशन विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, फर्म इन डेवलपिंग कंट्रीज आर एबल टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। बेटर क्वालिटी एंड लोअर कॉस्ट इनेबल देम टू एक्सपोर्ट गुड्स टू फॉरेन मार्केट्स। द प्रोडक्ट इंपोर्टेड अर्लियर कैन बी प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री, देयर बाय सेविंग स्कैर्स फॉरेन एक्सचेंज। तो इसके कहने का मतलब है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन, अगर हम मल्टीनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, हमारी कंपनी, तो हमारे गुड्स क्या है, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया से बाहर भी जाएंगे, इंडिया में भी आएंगे, चाइना में भी आएंगे, ठीक है। सो इसी को हम बोल रहे हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन, कि सारी एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हम मल्टीनेशनल कंपनीज़ का काम क्या होता है, वो एक्सपोर्ट अपने गुड्स को अदर कंट्रीज़ में सोल्ड करने का काम ज़्यादा से ज़्यादा करती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन स्पेंड ह्यूज अमाउंट्स ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल ऑपरेशंस प्रोवाइड देम एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजीज एंड सुपीरियर सर्विसेज। दे मेक सबस्टेंशियल कंट्रीब्यूशन टू इनोवेशन एंड इन्वेंशन विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम। सम मल्टीनेशनल्स आर असिस्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। मल्टीनेशनल्स कैरी आउट प्रोडक्ट इनोवेशंस एंड डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट लाइंस। इसके कहने का मतलब ये है, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो इंडिया में मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो वो इंडिया में भी, ठीक है। सो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन स्पेंड ह्यूज अमाउंट्स टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहाँ लगाती है, रिसर्च में, डेवलपमेंट में, ठीक है। जितना ज़्यादा रिसर्च होगा उनको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। वो नई नई चीज़ों में ज़्यादा सर्च करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसीलिए हम लोग से कहीं ज़्यादा वो आगे होते हैं, ठीक। इंटरनेशनल इकोनॉमी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ब्रिंग आउट होमोजेनिटी इन द नीड्स एंड डिज़ायर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। द वाइडन मार्केट्स मोबिलाइज रिसोर्सेज एंड एड टू गवर्नमेंट रेवेन्यूज। दे हेल्प इन इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन एंड ब्रेक लोकल मोनोपोलीज। दे इंकरेज इंटरनेशनल ट्रेड एंड इक्वलाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिव इनपुट्स अराउंड द वर्ल्ड। इन वेरियस वेज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हेल्प इन द इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक्स इंटू वर्ल्ड इकोनॉमी।
इंटरनेशनल इकोनॉमी यानी इंटरनेशनल मार्केट में ये कंपनी क्या मतलब मल्टीनेशनल कंपनियां जहाँ जहाँ रहती हैं वो वहाँ पे भी गवर्नमेंट में गवर्नमेंट को वो रेवेन्यूज प्रोवाइड करती हैं जो कि वहाँ की इकोनॉमिक्स क्या करेगी, ग्रोथ करने का काम करती है। ठीक है, ग्रोथ करने का सेंस है कि जितना ज़्यादा हम मल्टीनेशनल कंपनियां हमारी गवर्नमेंट को लोकल गवर्नमेंट को जितनी ज़्यादा रेवेन्यूज़ देंगे तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसको भी क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, रेवेन्यू सिस्टम जब हमारा रेवेन्यू बेस्ट होगा तो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन भी बेस्ट होगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट यानी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कैन एक्सपेंड मार्केट टेरिटरी बियॉन्ड द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ देयर कंट्रीज। यानी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कंपनियाँ हैं तो इसका मतलब ये है उनका मार्केट जो रहता है काफ़ी वाइडर वे में रहता है यानी ब्रॉड वे में। ठीक है, नाउ द हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, या हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहने का मतलब है कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू लाइफ स्टाइल इन द मार्केट। ठीक है, उनका काम क्या है, न्यू प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना और न्यू लाइफ को क्रिएट करते हैं, न्यू लाइफ स्टाइल। ठीक है, पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज कैन एंजॉय वैरायटी ऑफ गुड्स, यानी मल्टीनेशनल का फ़ायदा हर एक कंट्री हर एक पर्सन लेता है। ठीक है, यानी पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज कैन एंजॉय वैरायटी ऑफ गुड्स, उनकी वैरायटी जो रहती है वो हमसे कहीं ज़्यादा बेस्ट रहती है। एंड सर्विसेज, उनकी वैरायटी भी बेस्ट रहेगी और सर्विसेज भी गुड रहती है। ठीक है, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड लोअर प्राइजेस हेल्प टू रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नाउ द नेक्स्ट डीमेरिट्स ऑफ ग्लोबल कंपनीज। ठीक है, सो टुमारो आई विल डिस्कस रिगार्डिंग ग्लोबल कंपनी, ओनली फॉर वन पेज इज लेफ्ट। क्लियर, सो थैंक यू क्लास।